40 साल बाद दिल्ली पर सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इंच इंच बढ़ता यमुना का पानी दिल्ली का दिल दहला रहा है। दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी गश्त कर रहा है। यमुना में उफान से दिल्ली में कैसे घमासान मच गया है, यमुना किनारे से रिपोर्ट। दिल्ली पर मंडराया सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा। सड़क पर पानी, घर में पानी की घुसपैठ। यमुना के पानी में इंसान फंसे, जानवर डूबे। पानी से बचने के लिए कहीं छत पर डेरा, कहीं पेड़ पर बसेरा। जैसे जैसे यमुना का पानी बढ़ रहा है, दिल्ली की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। प्रदूषण की मारी दिल्ली पर पानी की परेशानी भारी पड़ने लगी है। 40 साल बाद यमुना की लहरें दिल्ली वालों को डरा रही हैं। ये तीन तस्वीरें देखिए, कैसे यमुना का कहर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को यमुना का जलस्तर 204 मीटर के चेतावनी निशान को पार कर गया। मंगलवार को यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। आज यमुना का जलस्तर 206 मीटर के निशान तक पहुंच गया। दिल्ली के उस्मानपुर गांव, निगम बोध घाट, शास्त्री पार, गढ़ी मंडी में पानी की घुसपैठ हो चुकी है। अगर खतरे का निशान 207 मीटर के पार पहुंचा तो ओखला, गीता कॉलोनी, मॉडल टाउन, मदनपुर खादर और राजघाट में खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में यमुना का कहर देखिए। गलियों, घरों में यमुना का पानी तैर रहा है। घर का सामान लेकर लोग छत पर डेरा डाले हुए हैं। यहां 200 से 300 घरों में पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आया है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 206.60 मीटर इस समय यमुना का जलस्तर बना हुआ है। दिल्ली के उस्मानपुर में इस तरीके से घरों में आप देख सकते हैं यमुना का पानी जो है घुस गया है। लोगों ने यहां से पलायन किया है। सुबह के वक्त यहां पर यमुना नदी का पानी आया है। लाखों क्यूसेक पानी जो है हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था और वहां से जो है वो दिल्ली के अंदर आया है, प्रवेश हुआ है। तो ऐसे में लोगों, कब आया आपका ये घर? सुबह आई। सुबह आया है। सामान सारा शिफ्ट कर लिया आपने? थोड़ा बहुत रह रहा है सामान। सुबह कितने बजे पानी लगा? सुबह 7-8। 7-8 बजे आया है। रात तक क्या आलम था यहाँ पर पानी? बिल्कुल सूखा था, सूखा था, बिल्कुल सूखा था। रात को ही, सुबह ही चढ़ाई है पानी। दिल्ली में खतरे का आलम ये है कि एक परिवार को यमुना के पानी से बचने के लिए रात पेड़ पर ही गुजारनी पड़ी। सुबह जब एनडीआरएफ की टीम नाव लेकर इन तक पहुंची, दंपति, गर्भवती पत्नी और दो बच्चों को पेड़ से नीचे उतारा गया। यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं वोट क्लब की। वोट क्लब भी बाढ़ के इस पानी की चपेट में आ गया है और आप सामने तस्वीरों में वोट जो तमाम यहां पर मौजूद थे उन्हें अब पूरी तरह से पानी में तैरता हुआ देख सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले तक हम जहां पर इस वक्त नाव मौजूद है वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और अब जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है यहाँ पर पानी जो है वो नजदीक पहुंचते जा रहा है वोट क्लब के। हरियाणा से छोड़े गए हथनीकुंड बैराज का पानी यमुना में बढ़ता जा रहा है। कल रात को कई निचले इलाके डूब गए। आज भी बैराज से पानी छोड़ा गया है जो दिल्ली के लिए परेशानी का सबब है। यमुना में आए उफान से दिल्ली के ऐतिहासिक लोहे के पुल को बंद करना पड़ा। ये पुल 3 दिन से बंद है। अक्सर ट्रैफिक से भरे पुल पर सन्नाटा है। रेलवे ने लोहे के पुल से गुजरने वाली ट्रेनों का रूट बदल दिया है। लोहे का पुल बंद होने का असर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर दिखा, जहां दोपहर के बाद लंबा जाम लग गया। यमुना में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिस तरीके से पुराना लोहे के पुल को पूरी तरह से ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है, उसका असर गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रिंग रोड गीता कॉलोनी के पास और आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो सुबह के वक्त यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ तक आप देखेंगे ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह से थमी पड़ी है। लोगों को एक एक घंटे जो है वो ट्रैफिक के जाम से जूझना पड़ रहा है। आपको दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं कि गीता कॉलोनी का फ्लाई ओवर है जो कि यमुना को क्रॉस करता है, वहाँ पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफ़ी स्लो है। अक्सर धीमी गति से बहने वाली यमुना की लहरें अब गरजने लगी हैं। लहरों ने ऐसा उफान मारा है कि राजधानी पर सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली से पंकज जैन, मणिदीप शर्मा,
और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। देश की राजधानी है दिल्ली, यमुना के पानी की पंपिंग डर इस वक्त वहां पैदा कर रही है। यमुना के उफान का साम्राज्य दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में दहशत का सबब बन गया है। लोहे का पुल बंद है, यमुना बाजार डूब चुका है, निगम बोध घाट लबालब है, हाथी घाट में लहरें हिलोरे मार रही हैं, किसान कॉलोनी भी पानी पानी, गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे दरिया बह रहा है। कश्मीरी गेट बस अड्डे के आसपास का निचला इलाका भी यमुना नदी की लहरों की जद में है। हथनीकुंड बैराज से पानी छूटा तो यमुना की लहरों ने भी अपना दायरा तोड़ दिया। यमुना नदी की लहरें रौद्रकारी हो गई और निचले इलाकों को अपने आगोश में लेती चली गई। इस वक्त मैं गीता कॉलोनी के एक तरह से कहा जाए बिल्कुल यमुना घाट के पास मौजूद हूं। अब यहां स्थिति है कि इससे कुछ ही दूरी पर यमुना घाट है और आप देखिए पानी यहां तक आ गया है और इसके बिल्कुल ऊपर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा आगे की तरफ बढ़ गया है। क्या वाकई 207 मीटर क्रॉस करेगा, ये देखने वाली आज बात होगी। अभी तक 206.60 क्रॉस कर गया है, जो डेंजर लेवल से भी ऊपर है, और अब स्थिति यह है कि पानी यहां तक आ गया और इसके बिल्कुल ऊपर आप देखिए फ्लाईओवर है और आगे जाकर ये रोड जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि कितनी ज्यादा पास है पानी। और आप इसका अंदाजा देखिए, ये भी कम से कम 10 या 12 फीट गहरा पानी है। और आप देखिए ये वाटर टैंक है दिल्ली जल बोर्ड का, डूब चुका है। ये गौशाला है, यहाँ पूरी कई सारी गायें जो हैं वो डूबी हैं जिनको निकाला गया है। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हैं, बात करते हैं। ये बताइए सर, यहाँ पानी पहले तो नहीं था, अचानक ही कैसे आ गया पानी? रात को एकदम बढ़ाया तो तब आया यहाँ पे। फिलहाल स्थिति ये है कि आप देखिए यहाँ पर ये गौशाला है, अभी तक ये इसको भारत माता गौधाम कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए बोट गई हुई है और एक देखिए वो गायें भी आपको नजर आ रही है, वो देखिए गायें जो है वो फंसी हुई है, वो यहाँ पर आ रही है, उसको निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी आने के बाद प्रशासन ने लोगों को अस्थाई शिविर लगाकर उनमें शिफ्ट किया है। यमुना खादर में चिल्ला गांव के पास की झुग्गियों में रहने वालों के मुताबिक जो सुविधाएं उन्हें देने की बात कही जा रही है वो उन्हें अब तक नहीं मिली है। यमुना का जलस्तर वक्त के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आप साफ तौर पर तस्वीरों में हमारे कैमरामैन आलोक दास आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो यमुना का जलस्तर है वो लोहे के पुल को छूने ही वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोहे के पुल का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होते हुए यहाँ पर आ पहुँचा है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इस वक्त यमुना। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में काफ़ी अलार्मिंग हो सकता है। NDRF के इंस्पेक्टर नवीन कुमार यहाँ पर अपनी तकरीबन 8 टीमों के साथ तैनात हैं और नवीन कुमार जी का साफ तौर पर कहना है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या आदेश है आप लोगों को अभी? आदेश यही है कि जहाँ पर जो वल्नरेबल पॉइंट है वहाँ पर आप मौजूद रहिए, किसी भी अप्रिय घटना के लिए आप तैयार रहें। यमुना का कहर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और मथुरा तक जा पहुंचा है। ग्रेटर नोएडा के तो 6 गांव में पानी घुस चुका है, मथुरा में भी यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। एहतियातन यमुना किनारे PSC तैनात कर दी गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के भी कई गांव में पानी घुस गया है, यहां यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बांध से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना अपने विकराल रूप में है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के तिलवाड़ा गांव में हैं और अब यहां पर यमुना का बहाव साफ देख सकते हैं। अमूमन यहां जो सूखा पड़ा होता है लेकिन पानी इतने लाख क्यूसेक में छोड़ा गया है कि जो यमुना है वो अपने विकराल रूप में है और आसपास के जो 4-5 गांव हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कल NDRF की टीम ने यहाँ से तकरीबन 40 लोगों को रेस्क्यू कराया था। अगर आप तस्वीर देखें तो ये तस्वीर काफ़ी कुछ कहती है। सामने की तरफ जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है और पानी, चूंकि यहाँ पर एक वक्त में इतना अवैध खनन हुआ है
कि जो ये पूरा इलाका है खाली हो गया है और यमुना का शोर, यमुना के पानी का बहाव का शोर आप साफ साफ सुन सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर यमुना की उफनती लहरों पर है। सब यही दुआ कर रहे हैं कि यमुना में और उफान ना आए, ताकि दिल्ली पर मंडरा रहा सबसे बड़ी बाढ़ का खतरा हकीकत में तब्दील ना हो जाए। दिल्ली से चिराग गोठी, राम किंकर, ग्रेटर नोएडा से अरविंद ओझा और मथुरा से मदन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाके में बाढ़ आ गई। पंजाब के फिरोजपुर इलाके में पाकिस्तान का पानी घुस आया है। आलम यह है कि बाढ़ के पानी में बॉर्डर पर लगी फेंसिंग भी बह गई है। सरहद से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस समय हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर रावी नदी का पानी आप देख सकते हैं आया हुआ है और ये दरअसल पाकिस्तान की साजिश है। ये जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं ये सीधा ठीक मेरे पीछे वो पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, उस पोस्ट से पीछे पाकिस्तान का इलाका है और ये जो पानी का बहाव है ये बिल्कुल सीधे पाकिस्तान से आ रहा है। और यहाँ पर जो है जब ये पानी आता है तो काफी बड़े इलाके में फेंसिंग भी बह जाती है, तो बीएसएफ को पेट्रोलिंग करने के लिए बोट्स का सहारा लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बीएसएफ ने बोट्स यहाँ पर खड़ी की हुई हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा वो जो ठीक पीछे मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं और वो जो पोस्ट है इससे ठीक पीछे पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है और ये पानी जो एक साजिश के तहत पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा जाता है दरअसल। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पीछे बुढ़ा नाला डैम है कसूर में, जिसके 6 गेट होते हैं। नियम के हिसाब से एक एक गेट को खोला जाता है, लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उनमें पाकिस्तान ने एक साथ 6 गेट खोल दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जल सैलाब एक साथ आ गया है। और इस जल सैलाब की वजह से जो फिरोजपुर और बॉर्डर के जिले हैं पंजाब के, उनमें खासा नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे फेंसिंग है और इस फेंसिंग की तरफ से जो नदी का बहाव आ रहा है ये पानी सीधे पाकिस्तान के कसूर से आ रहा है और यहाँ पर आकर जो है परेशानी पैदा कर रहा है। सतेंद्र चौहान, भारत पाकिस्तान बॉर्डर आज तक। पंजाब के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। सतलज, ब्यास, रावी नदी की लहरें पंजाब के फिरोजपुर और जालंधर के गांवों में जमकर कहर बरपा रही हैं। पंजाब में पानी के प्रकोप पर ये रिपोर्ट। पानी पर बने घर देखने हो तो पंजाब चले आइए, पानी के खेत देखने हो तो पंजाब चले आइए। खेतों में डूबते ट्रैक्टर और फसलों पर दौड़ती बोट देखनी हो तो पंजाब चले आइए, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर और जालंधर जिले के गांव में आजकल पानी की हुकूमत चल रही है। फिरोजपुर और जालंधर के कई गांव बाढ़ का तांडव झेल रहे हैं और खेत खलियान, घर मकान सब पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जहां तक भी कैमरे की नजर जा रही है लाखों एकड़ फसल पानी में समा चुके। आज तक के संवाददाता सतेंद्र चौहान ने फिरोजपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित गांवों का दौरा किया तो बाढ़ का भयावह मंजर सामने आया। घर पानी से घिरे हुए दिखाई दिए, खेत खलियान सब पानी में डूबे मिले। पानी का स्तर इतना था कि पूरा का पूरा ट्रैक्टर जल समाधि ले चुका था। पंजाब में सतलुज, रावी, ब्यास नदियां कहर बरपाने लगे हैं। जहां पर भी कैमरे की नजर ले जाते हैं सिवाय पानी के सैलाब के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। मेरे ठीक सामने एक ट्रैक्टर है और ये प्लेन जमीन के ऊपर खड़ा था, यानी कि जिस जगह पर हम चल रहे हैं यहाँ पर कोई नदी नहीं थी और ये ट्रैक्टर किसान को इतना मौका नहीं मिला कि इस ट्रैक्टर को वो अपने गांव तक ले जाए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गांव है तो दूसरी तरफ ये ट्यूबवेल के कमरे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर डूबे हुए हैं और जहाँ पर भी, यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर तक का इलाका यहाँ विजिबल है और पूरे 1 किलोमीटर में सिवाय पानी के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।